नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ सुतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा, किसी ने सच कहा है, एक नजर फैलाओ चारों ओर, देखो क्या हो रहा है। लाखों फरियादे चिल्लाते हैं और अंधा कानून सो रहा है। आखिर इन दिनों देश में क्या हो रहा है, इसको लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। देश के हालातों को देख कर तो लगता है ये चंद लाइनें एकदम सटीक है, क्योंकि दिल्ली, खरगोन, गुजरात, बिहार के जो हालात हैं वो आप भी देख चुके हैं। और अब ऐसे में एक ही बात है, इनके गुनहगारों को आखिर सजा कब। इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। आखिर कौन है देश के दंगेज जो हमारे भारत देश की एकता को मिटाना चाहते हैं, कौन है वो पार्टियां जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इसी को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मोहम्मद सैयद तकी इस वक्त जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एएस नवानी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और भाजपा समर्थक वेदमणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के पास श्रीनिवास पांडे जी, इसी बड़े सवाल के साथ में आपके पास में आ रही हूं। देश में सत्ता आपकी है, कई राज्यों में केंद्र से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक इस तरह की घटना, लगातार हिंसक घटनाओं को लेकर के आखिर बीजेपी इसे रोकने में असमर्थ क्यों है, क्यों ना काम हो रही है श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी? पहली बात तो मैं बोलूंगा कि बीजेपी जरा भी रोकने में असमर्थ नहीं है। और जिस प्रकार से दिल्ली में जहांगीरपुर की घटना हुई है, मतलब वो बहुत ही निंदनीय घटना है और उसको कभी भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और केजरीवाल इसका जवाब दे ना, आपके साथ प्रवक्ता बोले, बहुत ज्यादा बोलते हैं वो आपके प्रवक्ता, तो वो इस बात का जवाब दे, जहांगीरपुरी में केजरीवाल का क्या बयान है, फ्री बिजली दे दो, फ्री कुछ कर दो, सब फ्री कर दो, लेकिन मतलब कानून व्यवस्था इनको नहीं करना है। सर्फ ठिकरा मोदी जी ने लिखा है, कोरोना का काले हो तो मोदी जी करे, फ्री राशन बांटना है तो मोदी जी करे, बस ये आएंगे चैनल में, आएंगे दांत चियार देंगे हर दो मिनट में, लेकिन इनको कुछ भी नहीं करना है। तो ये कब तक चलेगा? और बीजेपी का मतलब लगातार करेगी, और बीजेपी के नेता हमेशा सड़क पे उतरेंगे और इस बात का तो मुद्दा होगा, चाहे हमारी ठीक है केंद्र में सरकार है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत देखिए, इनकी इस्लाम लोगों की मुस्लिम पे इतनी हिम्मत इनकी बढ़ गई है कि पथराबाजी करेंगे, दंगा करेंगे और दोष देंगे कि मोदी और योगी ने करा रहे हैं। तो ये अब चलेगा नहीं, अब ईंट का जवाब फरसा से दिया जाएगा, परशुराम बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन श्रीनिवास पांडे जी सवाल तो कहीं ना कहीं आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि केंद्र में आप बैठे हुए हैं, सवाल तो लेकिन केंद्र में राज्य सरकार का है ना, कानून है। ममता बनर्जी को अगर कलकत्ता में, बंगाल में कोई भी कांड होता है तो ममता बनर्जी करने नहीं देती केंद्र को, दखल अंदाजी उनकी रहती है। तो केजरीवाल कहां बिल में घुस गया, मैं तो उसको पूछूंगा कि कहां पे घुस गए। आखिर जहांगीर का कांड में बिजली का फ्री दे दो, बिजली सब कुछ कर दो, लेकिन देश के कानून व्यवस्था को कुछ भी नहीं सही करो, मतलब चूहे के कहां में बिल में हो गए। हनुमान चालीसा की नौटंकी करो आके, मतलब जब हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मैं नौटंकी 50 प्रकार की करनी है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी एक भी स्टेटमेंट केजरीवाल का क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बोले कि ये मुस्लिम ने गलत किया है, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए मुस्लिम से, और मुस्लिम की इतनी हिम्मत हो जा रही है, इतनी हिम्मत हो जा रही है कि इनको कुछ भी करना है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब इनको अच्छा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब ये भी पत्थर मारेंगे तो हम इनके में भी पत्थर मारेंगे, ठीक है, तब इनको समझ में आएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, अब परशुराम बनना ही पड़ेगा, अब परशुराम का जन्म होगा। 2 मई को हम लोग ना कर रहे हैं फरसा, देखते हैं किस की कौन पत्थरबाजी करता है, पत्थर से हमने ईटा से उनका सर ना तोड़ दिए तो हम लोग भी असल ब्राह्मण की औलाद नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी से सैयद जी, अब बोले सैयद, जहांगीरपुरी की घटना पे आपका मुंह क्यों बंद है, आप बोलिए कि केजरीवाल की विफलता है, आप ठिकरा लेंगे केजरीवाल की विफलता है, बोलिए मुस्लिम पे, अगर हम अगर मोदी जी कुछ भी करेंगे भी तो मोदी जी पे ब्लेम हो जाएगा कि मोदी जी सांप्रदायिकता फैलाते, हम लोग पे तो एक मोहर है कि सांप्रदायिकता हम लोग फैलाएंगे, लेकिन अब इस बात पे बोले कि क्यों नहीं केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया, ममता क्यों चुप है, पूछते हैं केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आखिर क्यों नहीं आया है। मोहब्बत तक के आखिर दिल्ली में इस तरह की हिंसा लगातार, देश में इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, वहीं दिल्ली में भी इस तरह की घटना, आखिर कहां है अरविंद केजरीवाल? देखिए दिल्ली में और पूरे देश में जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटनाएं आजकल के दौर में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई सेंटेंस नहीं है, और जो ये लोग कर रहे हैं उन लोगों को
उन लोगों को जो है सामने करने की जरूरत है कि कौन लोग हैं इस तरह के हिंसात्मक हरकत कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी, मैं आपके बात नहीं बोला था, आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, वरना आप डिबेट छोड़ के चले जाइए अगर आप शांत नहीं रह सकते हैं तो। आप जो भी दिल्ली में हुआ उसकी तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। गृह मंत्री दिल्ली में और पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था नहीं बयान कर रख पा रहे हैं, नहीं कायम रख पा रहे हैं, तो अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे दें और दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दें। हम लोग 24 घंटे के अंदर आपको बता देंगे कौन लोग हैं जिन्होंने दंगा किया है, कौन लोग जिन्होंने इस पत्थरबाजी की है, उस सबको हम जेल के पीछे डाल देंगे। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो हिंसा में इन्वॉल्व है तो उसका इस समाज के अंदर कोई रोल नहीं है। आज की देर में हिंसा का कोई रोल नहीं है। जो कह रहे हैं पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर का जवाब फरसे से देंगे, ये इस तरह की हिंसात्मक बातें करके माहौल को बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं, भड़काने की हमेशा कोशिश करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सामने के लगे, या हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, या बात है कानून व्यवस्था के खराब होने की, या बात है दंगा होने की। आप माहौल को हिंदू मुसलमान ना बनाइए। सब आ गए तो हम क्यों सहेंगे चुपचाप, हम क्यों चुपचाप चुप सहेंगे? आप ये मत बोलिए, आप हिंदू मतलब राष्ट्र, आप इस्लामिक देश बनाना चाहते क्या भारत को? इस्लामिक देश बनाना चाहते तो इसके लिए बात भी बोलिए, इसके लिए भी हम तैयार हैं। श्रीनिवास जी, हम सोच रही मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, ठीक है? श्रीनिवास पांडे जी, मोहम्मद तकी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, दिल्ली में जो जागीरपुरी में जो हिंसात्मक घटना हुई है उसके जिम्मेदार बीजेपी है, और अगर आपसे नहीं संभाल पा रहे हैं आप दिल्ली को, तो वहां के जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस को जो है आम आदमी पार्टी के पास दे दीजिए, वो एक दिन के अंदर 24 घंटे में बता देंगे किस तरीके से व्यवस्था बनानी है। सबसे पहले बात, ये तो एक नंबर के झूठे हैं। इनके एक स्टेटमेंट होता है कि पूना वाला ने भी स्टेटमेंट बोला था, इनके प्रवक्ता किसी एक निजी चैनल में बैठे थे, वो ना कोई FIR कॉपी जरूरत थी, इन्होंने कहा कि मस्जिद में भगवा फैला दिया, एकदम झूठा निराधार आरोप है, ये एक नंबर के झूठे हैं। केजरीवाल एक मिनट की सत्ता हमारे हाथ में दे दे, हम ना ठिकाने लगा दे तो असल हिंदू की औलाद नहीं। केजरीवाल एक अपना इस्तीफा देके हमारे हाथ में सत्ता दे दे, सिर्फ एक महीने के बाद सारे के सारे जेल में बंद मिलेंगे। ये एक नंबर के झूठे हैं। इनका कोई कोरोना काल में भी केजरीवाल से तो संभला नहीं था, तो मतलब मोदी के सामने रोना रोते थे, अमित शाह के सामने रोते थे, 10,000 का बेड बना के दिया, और जो ये भ्रष्टाचार पे और ये जो महंगाई पे ठिकरा करते, ये तो जब अगर ये सत्ता इनको दे दी गई ना, तो ये आज चार जो 100 में मिल रहा है जो पेट्रोल, वो 400 में मिलेगा, और वो बस बिजली को इनको फ्री देना है, कहां से लाएंगे? और शास्त्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बनते हैं ना, कोई भी चीज फ्री से नहीं होती है, और हमारा मुद्दा भी वो भ्रष्टाचार महंगाई नहीं है, हमारा मुद्दा है कि पथराव क्यों होता है। तो ये हमारा ये कहना है कि ये केजरीवाल का मतलब इनको शांत करिएगा तो मैं बात रखूंगा, आप यही बोलते रहेंगे अपनी बात। इनको प्रोटोकॉल पता नहीं, बात करने का तरीका इनको नहीं पता किस तरह से बात की जाती है। जब ये बात कर रहे थे पीछे बोला था मैं इनके बोलने में, इनको समझ तो है नहीं, देश से चलाएंगे ये चैनल पे डिबेट तो करना चाहते हैं, देश से चलाएंगे। श्रीनिवास पांडे जी प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास पे, रखिए मोहम्मद तकी अपनी बात को आम आदमी पार्टी से हमारे बीच। देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज्यों में, अन्य राज्यों में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों की सरकार है, वहां के ऊपर ये बैकडोर से आना चाहते हैं, ये वहां की कानून व्यवस्था को खराब कर घोषणा चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, जहां जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे ये लोग हिंसात्मक कार्रवाई करके वहां के जो सरकारों के जो अधिकार है उनके अंदर दखलंदाजी करना चाहते हैं। वहां पे जो है, मैं आपसे सवाल ले रही हूँ, मतलब आपके कहने का मतलब है जो हिंदू जुलूस लेकर जा रहे थे उन्होंने अपने ऊपर ही फायरिंग कर दी, उन्होंने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी, उन्होंने अपने ही जुलूस को बर्बाद कर दिया। मैं आ रही हूँ इसके बाद बेदमनी त्रिपाठी जी, तुरंत इस पर एक बार प्रतिक्रिया जो है। जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, जिस तरह के फोटोग्राफ आए, आप देखिए किस तरह के लोग हाथों में नंगे हथियार लेके असलाह कटलार लेके चल रहे हैं। ये 13 साल के 14 साल के बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी उनके हाथों में कट्टा असलाह और चाकू से थमा दिया है। ये पुलिस के पुलिस के बीच में, आपके कहने का मतलब है कि जो हिंदू जुलूस लेकर के जा रहे थे उन्होंने ही जो है अपने जुलूस खराब कर दिया, उन्होंने ही जो है इस तरह की दंगे फसाद वहां पर करना शुरू कर दिया। वो जुलूस निकला था, वो जुलूस की आज्ञा नहीं थी,
उस जुलूस को जो है आज्ञा नहीं मिली थी, वो जुलूस बिना आज्ञा के निकाला जा रहा था। अच्छा ठीक है, बिना आज्ञा के जो जुलूस निकलेगा उस पर जुलूस ने मस्जिद के आगे उन लोगों ने उकसाया, उन लोगों ने पथराव पहले किया, दंगा उन लोगों ने पहले किया, और वहाँ जो कुछ भी हो उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोल है, उसमें बजरंग दल का पूरा रोल है, और वहाँ गिरफ्तारियां भी की हुई है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंतर्गत गिरफ्तारियां की है, वो गिरफ्तारियां सही लोगों की तरह नहीं कर रही है। इतने सारे लोग आपको चारों फोटो में, इतने सारे लोग हैं जो असलहा लेके टहलने का चाकू नहीं टहलने, इन लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है। ये लोग जो दिख रहे हैं चाकू असला लिए, कौन लोग हैं ये लोग? क्लिपिंग देखिए इनकी। ठीक है, वेदमणी त्रिपाठी जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वेदमणी त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है कि जो हिंदू पक्ष के जो लोग जुलूस में आ रहे हैं उनके पास भी हथियार थे, अब ये तो सही नहीं है ना सर? देखिए ऐसा है रिचा जी, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है, एक मिनट वेदमणी त्रिपाठी जी, एक सवाल छोटा सा यहाँ पर और ऐड करूंगी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस एरिया में जा रहे हैं वो संवेदनशील एरिया है, संवेदनशील इलाका है, वहां पर आप इस तरीके के हथियार जुलूस में लेकर के जा रहे हैं। रखिए अपनी बात। मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा कंक्लूड कर दूंगा। जो भी पैनल में मित्र हैं सभी को नमस्कार। दिल्ली का एक ही सलूशन है, दिल्ली मांगे योगी राज। दिल्ली का एक ही सोल्यूशन रह गया है, दिल्ली मांगे योगी राज। और सत्ता बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा धैर्य रखें। उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरह सत्ता जाते देख रहे हैं, उसी का योगी सरकार है कि दुस्साहस इतना बढ़ गया है, माहौल खराब करके बैकग्राउंड तरीके से जो सनातनी बंधु निकाल रहे थे उनके ऊपर पेट्रोल पंप फोड़े गए हैं, उन पर आपके कई जो है सम्मानित चैनल के जो है योगी सरकार वार्ता उन्होंने बीजेपी सरकार को भी किया है, इसलिए एक बार क्या कह रहे हैं वेदमणी त्रिपाठी जी, सुन लेते फिर आपके पास मैं लौटूंगी जवाब लेने के लिए। रखिए अपनी बात, रखिए वेदमणी त्रिपाठी जी। हाँ ऐसा है, जो दिल्ली में दंगाइयों द्वारा कुकृत किया गया है उसकी एक स्टिंग भी हुई है आपके ही सम्मानित चैनल के माध्यम से, कुछ चैनल के वालों ने किया है, जिसमें साफ साफ ये उजागर हुआ है कि जो सनातनी श्रीराम नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाल करके भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, सत्संग करते हुए जा रहे थे, उन पर पेट्रोल पंप से हमले किए गए हैं। भारत ही नहीं, अभी आपने देखा होगा तमाम चैनलों के माध्यम से, स्वीडन जैसे अन्य देशों में ये इनका एक उद्देश्य हो गया है कि पूरे विश्व को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। इनकी एक ही आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता केजरीवाल, और केजरीवाल को अब दिख रहा है कि दिल्ली से जमीन उनकी खिसक रही है, दिल्ली में सत्ता वापसी नहीं हो रही है। पार्टी तो कह रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर इस तरह की हिंसात्मक घटना जो दिल्ली में अगर हुई है इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी सरकार की है, और बीजेपी तो कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है ना सर। बीजेपी रामनवमी से शुरू हुआ हिंदू नववर्ष, और अब हनुमान जयंती पर भी लगातार इस तरह की घटना देश के अलग अलग कोनों से आ रही है, लेकिन बीजेपी तभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, आखिर सियासत कब तक होती रही? रितिका जी बिल्कुल आप सही कह रही है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन केजरीवाल जो अपने दाहिने बगल बैठा करके जो ये आतंकी लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंप से हमले किए गए हैं, सीधा सीधा हमला, ये किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा ना किया गया, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, ये सुनियोजित तरीके से पहले प्री प्लान करके दंगा किया गया है। इसमें तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और जो है जो भी सैनिक थे उनकी सूझबूझ की वजह से बहुत बड़ा जो है जनहानि होने से बच गई, नहीं इनका उद्देश्य तो था कि हजारों लोगों का नरसंहार करना। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी तो नरसंहार करना चाहती थी दिल्ली में, दिल्ली को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए उसकी इस कुकृत्य के लिए। केजरीवाल का मूल आइडियोलॉजी की आप इस्लामिक तुष्टिकरण करके आगे जो है इस्लामिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ाइए। केजरीवाल जिम्मेदार है, केजरीवाल को देश से माफी मांगनी है। आप बात सुनिए, जो भी डिबेट पैनल में आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे आए हुए उनको अभी माफी मांगनी चाहिए,
कि रामनवमी जैसे जो है पवित्र पर्व पर और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दंगा किया गया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसका मैं ठीक है देखिए भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, दिल्ली हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो राजस्थान हो और पंजाब और राज्य हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बैक डोर से इस तरह की हिंसा करके वहां पे ये दिखाना चाहती है यहाँ पे सरकारें सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे योगी सरकार होनी चाहिए, यहाँ पे मोदी सरकार होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो अमित शाह जो गृह मंत्री है वो वहां पे हालात को काबू नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश में एक तिहाई देश में इस तरह घटनाएं हुई है, वहां कहीं अमित शाह उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। वो गृह मंत्री उनकी जवाबदेही है, वो अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रहे और इस तरह के कृत्य करने के लिए जब वहां पे उस रूट के ऊपर जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी तो कैसे वहां जुलूस निकल गया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को बेबुनियाद गिरफ्तार किया गया, उन लोगों को सिर्फ दिल्ली पुलिस के कहने पे बीजेपी के प्रेशर पे उनको बुनियाद उनको गिरफ्तार किया गया है। तो हिंदू लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, मतलब कि 7 से 8 लोग उसमें हिंदू भी हैं, 14 लोगों को मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, तो 7 से 8 लोग वहां पर हिंदू लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आपका कहने का मतलब ये है कि हिंदू लोगों ने जो है हिंदू पक्ष के लोगों ने अपने ही जुलूस को खराब कर दिया, उन्होंने खुद ही फायरिंग करी आपस में एक दूसरे का सर्वर फोड़ा, ये बीजेपी ने कराया। उसी दिल्ली में आपको जला लेंगे, खुद ही जला लेंगे अपने आप को, ये कहना चाहते हैं। इनका दोगला चरित्र है कि अपनी अपना ठिकरा किसी और पे करेंगे, ये प्रोटोकॉल को तोड़ के मोदी जी के प्रोटोकॉल को तोड़ के बीच में बोल देते हैं, फिर सॉरी बोल देते बस केजरीवाल सॉरी बोल देते हैं इनको, मतलब कैसे ये कमिश्नर थे रेवेन्यू, मुझे इस बात का बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये कैसे रेवेन्यू, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि कैसे रेवेन्यू ऑफिसर बन गए थे ये, इन्होंने इनको ना जरा भी तमीज है ना किसी चीज की अक्ल है, मतलब ये आम आदमी पार्टी का ये ठिकरा है कि हमें कोई भी काम करो बीजेपी के सर पे मारो और अच्छा काम। भाई अभी इन्होंने कश्मीर फाइल पे मजाक उड़ाया था कि यूट्यूब पे डाल दो, अरे मतलब हिंदू को भी इतना बड़ा अत्याचार हुआ, पलायन हुआ, उस पे भी इनको मजाक सोचता है, इनकी सूरी सी मंशा है इनको। और सच में कहा, जो हमारे भाई थे मतलब भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने सच में सही कहा कि इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, तो ये तो जमीन इनकी खिसक रही है, तो ये कुछ ना कुछ कांड कराएंगे, और जब इनको वोट लेना होता है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चंडी पाठ करेंगे, जैसे ममता पार्टी ने खेला हो, चंडी पाठ करने लगती है, हनुमान चालीसा। समाजवादी पार्टी के बारे में भी इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में है सवाल जुड़े हुए हैं, सवाल यही बड़ा सवाल, हिंसा का कोई हल भी निकल पाएगा या लगातार मेरठ के मुद्दे पे माफी मांगी, केजरीवाल की लगातार देश के हर एक कोने से इस तरह की घटना में आ रही हूँ। त्रिपाठी जी लौटूंगी और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वेट करिए त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास में। श्रीनिवास जी एस नोमानी के पास बड़े सवाल के साथ में, इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ कि लगातार इस पर सियासत होगी या कोई हल भी निकल पाएगा। एस नोमानी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिर आ रही हूँ। पूरी में जो एक बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए मैं पूरे तौर पे देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, और जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केवल एक ही इशू है इनका कि आखिर रामनवमी के दिन ही क्यों और हनुमान जयंती के दिन ही क्यों, आखिर क्यों दंगे होते हैं, क्यों हिंसा होता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अपने लोगों को आगे बढ़ा करके मुस्लिम इलाकों के बीच में भेज करके वो लोग इस तरह की दंगे कराते हैं, और आखिर दंगा हो रहा तो आखिर इनके इलाइयों के लोग, आईबी के लोग, खुफिया एजेंसी के लोग आखिर क्या कर रहे हैं, ये बड़ी साजिश है। इन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए, और श्रीनिवास जी क्या बोल रहे हैं डिबेट के अंदर, उनको इस तरह बोलनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, ये खुलेआम डिबेट के अंदर ये खुलेआम लोगों को मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। श्रीनिवास जी को बोलना सिखाइए आप, इनको बोलने आता है कि नहीं, इनके क्या क्वालिफिकेशन
एलिगेशन है, इनके क्वालिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। ये डिबेट है, इसमें भाई हमारे देश का जो भाईचारा जो एक इंसानियत खत्म हो रही है, वो इंसानियत क्यों खत्म हो रही है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? ये बड़ी साजिश है। अगर हम लोग इस मामले को नहीं समझते हैं, इस हिंसा के बारे में नहीं समझते हैं, इस लड़ाई के बारे में नहीं समझते हैं, कांग्रेस पार्टी ठीक है, उससे पहले क्यों मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं? इनसे पूछिए कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं? अगर हिंदू पर सनातनी धर्म, अगर राम श्री राम नवमी पर शोभा यात्रा निकालना चाहता था जहांगीरपुरी जैसे इलाके में, क्यों नहीं दिया? क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, भारत वर्ष में नहीं रहते हैं? बिल्कुल दिल्ली मांगे योगी राज, दिल्ली के दंगे सावधान हो जाए, वहां बुलडोजर बाबा पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी चिंता न करें। अलीगढ़ में, पीलीभीत में और आपके मुरादाबाद में दंगे हुए, वहां योगी नहीं रोक पाए। आप जरूर की बेकार की बातें कर रहे हैं। आप एक एजेंडे के तहत न्यूज चैनल पे आए हैं, आप अपने देश, अपनी पार्टी को, अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप नजर बहस नहीं करते। आप ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पास से बढ़ रही हूँ। आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्या करके हम लोग बात करेंगे। आशीष जी आवाज पहुंच पा रही है क्या कांग्रेस पार्टी से? आशीष जी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए ठीक है, रखिए अपनी बात वेदमणि त्रिपाठी जी। जी रितिका जी, मैं बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि हम सभी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ये आप सोचिए कि केजरीवाल की सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा चलिए ठीक है केंद्र के अधीन है, लेकिन और प्रशासनिक व्यवस्था केजरीवाल के अधीन है। श्री राम नवमी जैसे पवित्र त्योहार पर सनातनी बंधु जाते हैं परमिशन के लिए और उनका परमिशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये क्या समझा जाए? केजरीवाल कौन सी राजनीति करते हैं? दिल्ली को बीजेपी समाज में थाने में परमिशन बीजेपी के अंदर है क्या? पुलिस बीजेपी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो है वो बीजेपी के अंदर है दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश से केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम दिल्ली की जनता कर रही है। जी रखिए, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या साजिश है? ताहिर हुसैन जो एक आपके पार्षद थे वो मुख्यमंत्री उनके साथ मतलब फोटो खिंचाते हैं और अंसार के साथ फोटो खिंचाते हैं, बस ये इनका मेन मुद्दा रहता है कि किसी भी प्रकार से एक तुष्टिकरण की राजनीति कर वो करो अपनी रोटी सेको और हिंदू जायवाल। जब चुनाव आता है तो एक प्रलोभन दो कि बिजली मुफ्त देख देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और ये सब कर लेंगे, मतलब जितना ढोंग प्रपंच करना है इनको करना है, लेकिन जब हिंदू की बारी आएगी तभी तक, अभी तक उनका एक स्टेटमेंट भी हिंदू के पक्ष में कभी नहीं आया। तो दिल्ली की वासियों देख लो कैसे मुख्यमंत्री तुमने चुना है, फ्री की बिजली तुम्हें चाहिए, मुफ्त चाहिए, लेकिन क्या तुम सुरक्षित हो ना? जब तुम्हारा राष्ट्र नहीं बचेगा, तुम्हारी आबरू नहीं बचेगी, तब तुम ये फ्री का लेके करोगे क्या? फ्री का लेके अचार मुरब्बा डालोगे? तो केजरीवाल को ये समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और जो बीजेपी के बैठे हैं वेदमुनि जी, उनका मैं बात से समर्थन करता हूँ कि हम ये मांगे योगी सरकार बुलडोजर चलेगा तभी ये सिखाने लगेगी। मुझे तो सबसे पहले केजरीवाल के घर पे ही बुलडोजर चला देना चाहिए मोदी को, तब समझ में आ जाएगा इनको कि कैसे हो जाएगा। और ये केजरीवाल भ्रम में है, केजरीवाल भ्रम में है कि उनके अंदर उनके वो मुस्लिम उनके सकते हैं, एक दिन मुस्लिम उनको खा जाएंगे। श्रीनिवास पंडित जी, बात यहाँ पर अभी शोभा यात्रा की हो रही है, पथराव की हो रही है, और आप यहाँ पर मुख्यमंत्री, आपने ऐसा मुख्यमंत्री चुना, आप यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं सर? उसी पे से राजनीति रोटी नहीं सेक रहे हैं, बात आपके मुद्दे पे है कि ये शोभा यात्रा पे, अगर हमारे शोभा यात्रा पे सनातन धर्म पे अगर अटैक होगा तो हम क्या मुख्यमंत्री चुनेंगे? कैसा मुख्यमंत्री चुना है दिल्ली ने? हम मतलब अपनी शोभा यात्रा हम नहीं निकाल सकते, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात से कोई भी हटा नहीं है, ट्रैक पे ही है। अगर हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालते, अगर हम हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हमने कैसा मुख्यमंत्री चुना है? आपको भी यूपी में भी कहीं भी मुस्लिम
में मुसलमान असुरक्षित है, या मध्य प्रदेश जा लीजिए या गुजरात चले जाइए। गुजरात दंगे पे जब होता था कि मतलब मौत के सौदागर, मोदी जी को एक टैग मिला था मौत के सौदागर, तो अब यहाँ पे सोनिया गांधी क्यों चुप रह गई? कांग्रेस के प्रवक्ता हो बैठे हैं तो पत्थरबाजी के सौदागर कौन है? मतलब पेट्रोल बम के सौदागर क्यों है? उसी बात पे कह रहा हूं, मतलब यहाँ पे हिंदू अपने ही देश में क्यों सुरक्षित नहीं है? ये इस्लामिक कंट्री बनाने में क्यों तुले हैं? मतलब हम अपने मन से शोभा यात्रा नहीं कर सकते? हम सुरक्षित नहीं? आज बंगाल में कितना, हम क्यों नहीं सुरक्षित है? बंगाल में इतनी तुष्टिकरण की राजनीति क्यों है? मतलब हमारी यही शोभा यात्रा, हम अगर हम 2 मई को परशुराम जयंती है, क्या अगर हम शोभा यात्रा निकालेंगे तो पत्थरबाजी होगी? पत्थरबाजी क्यों होगी भाई? सवाल लेके कांग्रेस पार्टी से कि अपने ही देश में क्या शोभा यात्रा निकालने पर पथराव का सामना करना पड़ेगा? आशीष सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? ठीक है, मोहम्मद सैयद तकी हमारे साथ में, आशीष सिंह जी का जो संपर्क है कहीं ना कहीं टूट रहा है। मोहम्मद तकी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ, जो बीजेपी लगातार बोल रही है अपने ही देश में हम शांतिपूर्वक शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, सर इस तरह की हरकतें क्यों? तो आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो केंद्र के पास में, तो मतलब हम आम आदमी पार्टी से सवाल ना पूछें? देखिए मैं आपसे, एक तो मेरा नाम सैयद मोहम्मद तकी है, पूरा नाम मेरा सैयद मोहम्मद तकी है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारत में अन्य जगहों पे बहुत सारी शोभा यात्राएं निकली हैं, जहां शोभा यात्राओं में अल्पसंख्यकों ने आगे बढ़ के, सभी वर्गों ने आगे बढ़ के शोभा यात्रा में, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे राम जी की शोभा यात्रा हो, सब में आगे बढ़ के लोगों को पानी पिलाया, लोगों को शरबत पिलाया, लोगों का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सब जगह लोगों ने आगे बढ़ के उसमें पार्टिसिपेट लिया, किया उसमें हिस्सा लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरह का बिहेवियर, एक तरह का आचरण चल रहा है कि हमें मंदिर के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, हमें मंदिर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, हमें मस्जिद के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमें मंदिर के सामने, मस्जिदों के सामने से गुजरना है। भाई अगर राम चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ना है या आपको पूजा करनी है तो मंदिर के अंदर करिए, मंदिर के सामने करिए, मंदिर के क्षेत्र में करिए। आपके सारा हनुमान चालीसा, ये जो आपकी भक्ति है, ये मस्जिदों के सामने आपके जान पूछ करने लगते हैं और लोगों को देख के उनको भड़काऊ भाषण देने लगते हैं, लोगों पर पत्थर बरसाने लगते हैं, ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाने लगते हैं। ये सारी हरकतें जो आप कर रहे हैं, ये हरकतें सही नहीं है। और जो लोग भी इस तरह के सिलवाते, तुम चुप रहो यार, तुम्हारे लिए नहीं बोला था मैं, तुम पूना वाले से मत पूछो, किसी एक चैनल पे, निजी चैनल पे पूछा गया, कॉपी दिखाओ, आपके लोग कॉपी नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। हां हमने किया गया, उन्होंने तो साफ साफ चैलेंज किया था, कॉपी दिखाओ। हम लोग कभी भी किसी मस्जिद में जाकर के नहीं करते, और ना मुस्लिम की कभी रैली में, हमें कभी भी, हम लोग ने पथराव बनने किया है, हिंदू सनातन हमेशा लिबरल रहा है, लेकिन जब हिंदू आदमी को उठाने लगा तो हमें मिर्ची लग रही है, और हिंदू जो पूरे देश का माहौल खराब है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल पा रही है, छुपाने के लिए कोई भी जवाब नहीं सोचता है, तो बस ये कह देते कि बस हम भगवा मस्जिद में फैला रहे हैं, हम इनके में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप सड़क पे पढ़ रहे हैं, आपके अजान होता है तो क्या हम अजान पे कभी भी कमेंट करते हैं? कभी नहीं करते, लेकिन आप उस पे करोगे, हमारे चीजों पे करोगे। काली मंदिर पे पत्थरबाजी कर दिया था, मुलायम जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, काली मंदिर पे पत्थर हुआ था, और आज तक वाराणसी पे काली मंदिर, हमारे जो नवरात्रि में उस पे पत्थर होते थे, काली मंदिर पे पत्थर फेंक तोड़ दिया जाता था, दंगे हो जाते थे। आप डालो निकाल लीजिए, वाराणसी से लेके पंचायत में कितने दंगे हुए वाराणसी में, लेकिन राम को ऐसे लिखा जा रहा है।
ये देखिए भगवान राम को ऐसे लिखा जा रहा है, भगवान राम के नाम पे तलवार है, उसके नाम में चाकू है, ये बजता राम का नाम इस तरह लिखा गया है कि राजा पुत्र राम है, ये राम इनके चेहरे पे उद्भाषी देने चेहरे मुस्कुराहट करती थी, सवाल करते थे उन राम के जरिए हिंसा करवा रहे हैं, ये भगवान राम के नाम पे बदनाम कर रहे हैं, ये भगवान राम के नाम पे लूट मार मचा रहे हैं, इस मंदिर को लूटा करोड़ रुपए का। ठीक है, जवाब ले लीजिए श्रीनिवास पांडे जी। इसी यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिंदू जुलूस जो निकाल रहे हैं, हिंदू पक्ष के लोगों के पास में वहां पर हथियार थे, वो हथियार तो नहीं है ना सर सही, कि जुलूस में आप हथियार लेकर के जा रहे हैं? जुलूस में हथियार, देखिए जुलूस में हथियार इसलिए थे, अगर हथियार है क्योंकि वो पहले ही पता था कि इनके पत्थर करेंगे, तो आत्म सुरक्षा भी होता है ना, आत्म सुरक्षा भी हमें करना पड़ता है, आज लड़कियों को आत्म सुरक्षा देना है, अगर हमारे हथियार भी थे, पहली बात तो इनके झूठे हथियार था नहीं, वो शोभा यात्रा निकल रही, और अगर मैं इसका समर्थन भी करूंगा, अगर हथियार भी है, अगर हम हथियार ले रहे हैं, अगर हम पे अटैक होगा तो हम आत्मरक्षा क्या करेंगे, हमको उड़ने के लिए छोड़ देंगे? केजरीवाल ने तो कह दिया कि हिंदू मरते हैं तो मरे, मुसलमान के सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें तो यहाँ पे मतलब चाहे वो सपा सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो, उनका एक ही मुद्दा था कि हिंदू मरे तो मरे, लेकिन मुस्लिम मरना नहीं चाहिए, एक हिंदू की मौत पे पांच घर में साधु की मौत हो जाती है, आज तक भी अर्जुन गोस्वामी ने भी अपने चैनल में यहाँ भारत में मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक उसका इंसाफ नहीं हुआ, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, मौला की क्या हो जाएगी, पूरा विपक्ष चढ़ बैठेगा कि कैसे हुआ, सांप्रदायिकता है, सुरक्षित नहीं है, ये यूएन फैलाने में नंबर वन भारतीय जनता पार्टी है, दंगा करने में नंबर वन भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, उसको फायदा होता है, जहाँ जहाँ दंगा होता है, दंगाई का शीशा बनता है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी कलर खेलता है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे दंगाई पार्टी है, बहुत झगड़ा पार्टी है, बेदाग झगड़ा बांटने वाली पार्टी है, बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है, धर्म के नाम पे जाति के नाम पे हर जगह दंगा कर उन्हें पहले से ही पता था कि वहाँ पर लाठी डंडे चलेंगे, वहाँ पर पथराव होगा, मतलब पुलिस को नहीं पता लेकिन वहाँ पर जो समर्थक जा रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं, लोगों को पता होगा। रितिका जी बहुत ही कम समय में मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। रितिका जी, कम समय में आप बहुत ज्यादा बोल गए, रखिए अपनी बात। रितिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रखिए जी। रितिका जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है, जिस घटना में अभी जो मात्र 10 वर्ष पूर्व दिल्ली में रहने आए थे रोहिंग्या को बसाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू में रोहिंग्या बसे थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान बसे हैं, जब जम्मू कश्मीर में बंगला उठने की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से बसे रोहिंग्या को बसाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उनके साम्राज्य बसे हैं, उन्हीं साम्राज्य उनका राज हुआ है, ये उस वक्त हटाया नहीं लोगों ने, लेकिन जब उनको रवाना होता है, दंगा करवाना होता है, तो रोहिंग्या का नाम लेते हैं, रोहिंग्या को बसाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या को बसाया है, वो जम्मू में बसे थे जब बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस के साथ वो दौरान बसा गया, उनकी कॉलोनियां बसाएंगे, जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, क्योंकि बाद में जो माहौल खबरदार करने काम आएंगे, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वेदमणि त्रिपाठी जी, आपके ही जो सहयोगी है श्रीनिवास पांडे जी ने कहा जुलूस में हथियार इसलिए रखे गए थे क्योंकि उन्हें पहले से मालूम था कि वहां पर पथराव होंगे, ये कौन सी बात हो गई सर, मतलब अगर ऐसा था तो पुलिस 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 को पता नहीं था, पुलिस प्रशासन को पता नहीं था, लेकिन जुलूस में जो लोग जा रहे हैं उनको पता था, ये कैसी आशंका, ये कैसा स्टेटमेंट है बीजेपी का? रितिका जी जो भी सनातनी गए थे वो पेट्रोल पंप नहीं ले गए थे, उन पर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, नंबर क्या जुलूस में जो लोग जा रहे थे, जुलूस में जो लोग जा रहे थे, क्या उन्हें विश्वास नहीं था पुलिस पर, उन्हें अपनी सरकार बीजेपी पर विश्वास नहीं था? वेदमणि त्रिपाठी जी, रितिका जी हमारी परंपराएं हैं, पहले आप सुनिए, तो बहुत ही कम समय में मैं कंक्लूड कर दूंगा, सुनिए पहले। देखिए, जिसका जन्मोत्सव था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पौत्र स्वयं चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं,
चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जो विश्व विजयी होता है, और विश्व विजयी के जन्मोत्सव की जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें शस्त्र भी होते हैं और शास्त्र भी होते हैं। उसमें किस कोई ये बात नहीं थी कि कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसका हम प्रत्युत्तर देंगे। जा रहा हूँ, मेरे मोहल्ले से यात्रा निकलती है, आज तक मैंने किसी भी रामनवमी जुलूस में हनुमान जयंती के दिन सिवाय भगवान के हाथों के अलावा किसी के हाथ में हथियार नहीं देखे। वो हथियार ही प्रतीकात्मक हथियार होते हैं, वो प्रतीकात्मक हथियार होते, दिखाने के हथियार होते, उन हथियारों कोई औचित्य नहीं होता, और हथियार होते हैं पुलिस वालों के हाथ में। ये बगैर लाइसेंस के इतनी लंबी लंबी तलवारें, इतने बेजी कट्टे रखे लोग हैं, कौन लोग हैं? ये लोगों ने जानबूझ करवाया है, सुनियोजित एक योजना थी जिसके तहत ये दिल्ली का माहौल खराब करना चाह रहे थे, और ये वहां पे पीछे के रास्ते से भाजपा सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। ये इनका पूरा षड्यंत्र है और पूरे प्रदेश का दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। एक भी दिन निकल करके गए, बताइए हिंदू लोग कितनी चोट खाए, उन पर पेट्रोल पंप से हमला हुआ है, किसी को कोई कंपनसेशन ग्रांट किया केजरीवाल ने? एक किसी गैर सांप्रदायिक व्यक्ति की जो मुस्लिम होता है उसकी मृत्यु होती है उसको 5 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के तरफ से दिया जाता है, 50 रुपए दिए गए। बात कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, चैनल पे झूठ बोलते हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, इतने बड़े सीनियर आदमियों के आप झूठ बोल रहे हैं। किसको 5 करोड़ रुपए दिया आम आदमी पार्टी ने, किसको दिए 5 करोड़ रुपए? हम तो देश के शहीद होते, शहीदों को 1 करोड़ रुपए देते हैं। यात्रा नहीं निकाली जा सकती इस चैनल पे, आप झूठ बोल रहे हैं। आप चलेंगे तो शर्म की बात है आपके लिए, यात्रा निकालेंगे तो उस पर पथराव होगा। आप झूठे लोग हैं, ये झूठे लोगों का ग्रुप है जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बेतहाशा झूठ बोले जा रहे हैं, लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोलने के अलावा जब आप काम ही नहीं है। लोगों को झूठ बोल बोल के गुमराह करो, उनका दिमाग खराब कर दो, खत्म कर दो, और उनको जो है अपने हिसाब से कर दो। झूठ बोलने वाले समाजवादी पार्टी के पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। हिंसा के बाद दिल्ली के जागेपुर में तनाव की स्थिति है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में बवाल है। एस नवानी जी क्या कहेंगे? जीए के बड़ा सवाल है मैडम जो आप कह रही हैं, लेकिन आज के डिबेट में कोई भी इंसान सही टॉपिक पे बात नहीं करने को तैयार है। केवल ये लोग सबसे पहले इनको ये बता दिया किसी की बोलने का तरीका क्या होता है बोलने के हेलो जी रखिए अपनी बता रही है बस जी जी आ रही आवाज जी। पहली बार जिसको जो मौका दिया जाए उस स्टाइल से उसी टॉपिक पे बात की जाए। आज जिस तरीके से अभी श्रीनिवास जी कह रहे थे कि आज हिंदू समाज देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, आज 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं के, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन्हीं के, राज्यपाल भी उन्हीं के, यहाँ तक प्रधान तक जितने भी लोग है उसके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को, उसके बावजूद कह रहे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर ये क्या तमाशा, एक बड़ी साजिश है मैडम। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नौजवानों को बेगर शिक्षा दिए हुए, केवल ये लोग बच्चों के हाथों में तलवार दे करके ये लोग जो है खुलेआम हिंसा करवा रहे हैं, और केवल एक समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं सोमानी जी, आपका कहना ये है कि जब वहां पर जुलूस निकल रहा था या देश के कोने कोने से रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक जितनी भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं देखी गई, मैं लौटूंगी, वेट मिनट, एक एक करके बात करेंगे, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, डिबेट खराब नहीं करेंगे हम लोग, एक एक करके बात करेंगे। एस नोमानी जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि खुद ही जो हिंदू के जो लोग वहां पर थे, जो हिंदू मौजूद थे, जिन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने अपने ही जुलूस को खराब करना चाहा, उन्होंने अपने आप ही वहां पर हथियार चलाए, उन्होंने आपस में एक दूसरे का सर फोड़ा, अपने जुलूस को वहां पर खराब किया, अपनी उस पर्व को उन्होंने ही खुद खराब किया, ये समाजवादी पार्टी का कहना है? नहीं मैडम, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब उससे जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मिली, तो आखिर जब अनुमति नहीं मिली तो क्यों जुलूस निकाला गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर दंगा या हिंसा हुई तो आखिर खुफिया एजेंसी के लोग क्या कर रहे थे, हाईवे वाले क्या कर रहे थे, एलआईओ वाले क्या कर रहे थे, वहां की प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है मैडम, इसको गंभीरता से लीजिए आप। आखिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है कि जब अगर अनुमति नहीं दी गई तो आखिर क्यों
जुलूस निकाला गया और जुलूस निकाला भी गया तो बजरंग दल के लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में तलवारें थी, कट्टा बंदूक थे। आप कह सकते हो क्यों तमाशा हो रहा है मेरे देश के साथ? कह रही है वो तलवार निकालना, वो जो भी चीजें थी, वो हथियार, वो वहां पर उनकी परंपरा है, वो जुलूस में निकाला जाता है, बीजेपी का ये कहना है। इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर वेदमणि त्रिपाठी जी दोबारा आपके पास लौट रही हूं, रखिए अपनी बात। हां मुझे बोलना है, मुझे भी बोलना है। ये पुस्तक में है, आप देख लीजिए बंगाल के पुस्तक में राम को इतना चरित्र, मतलब राम का गिराया जा रहा, उनको आतंकवादी कह दिया। एक बड़ा सवाल है कि जब वो लोग जुलूस लेकर के निकल रहे थे तो मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, वो लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे नशे की हालत में, वो लोग मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे नशे की हालत में, तब जाकर के वहां पे एक भड़काव हुआ, एक हिंसा अच्छा, हुई और दोनों समाज बिना बिना तस्वीरें देख करके, बिना घटना को जान करके आप कुछ भी बोलते रहे क्या? उसकी एक वीडियो मेरे पास, उसकी फोटोज मेरे पास आई है, वो मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा। वो मैं आपको समाजवादी पार्टी के पास, रुकिए समाजवादी पार्टी आऊंगी आपके पास। वेदमणि त्रिपाठी जी रखिए अपनी बात को, बड़ा सवाल है वेदमणि त्रिपाठी जी सुनिए, बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं, लगातार रामनवमी से लेकर के लगातार हिंदू नववर्ष तक भी इस तरह की घटना हुई, बीजेपी कहां सो रही थी? कहां था पुलिस प्रशासन? कहां थी LIU? कहां थी खुफिया एजेंसी के लोग? क्यों नहीं वहां पर जो है कड़े इंतजाम कहीं ना कहीं किए गए? बीजेपी की सरकार है, सवाल बीजेपी से ही होगा, जवाब दीजिए। एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के पास आ रही हूँ। बिल्कुल बड़े ही शालीनता से सब लोग सुनेंगे और मैं पूरा जवाब दूंगा जी। आप जरा हमें रिकॉर्ड बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ पिछले 5 सालों में? हुआ दंगे, बहुत सारे दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, अभी 3 दंगे उत्तर प्रदेश में। जहां रोहिंग्यों की सीतापुर में क्या हुआ था, सीतापुर में दंगे नहीं हुए थे, किसानों पर टकरा दिया था, वहां क्या हुआ था? आशीष शर्मा को फिर से कोर्ट ने बता दिया, आशीष शर्मा को। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब सुबह पेपर हम लोग उठा करके पढ़ते थे तो केवल और केवल हत्या, डकैती, बलात्कार, इसके अलावा कहीं कोई ऐसी खबर नहीं छपती थी कि किसी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में इतने विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी गई। बस मतलब यही निकलता था कि कितने, आपका कहना है कि वहां पर बीजेपी की सरकारें और वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां पर इस तरीके का दंगा हुआ, ये आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, मध्य प्रदेश में थोड़ी सी हिंसक वारदातें हुई थी, आप सभी के सम्मानित चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन देख चुकी है कि अगर एक पत्थर किसी ने फेंका था तो उसके घर को पूरा कूड़े का ढेर बना दिया है। बुलडोजर बाबा नहीं है, वहां बुलडोजर मामा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृहमंत्री ने रोका, बीजेपी में होड़ लगी है क्या? कोई बुलडोजर मामा बनेगा, कोई बुलडोजर बाबा बनेगा, कंपटीशन हो रहा है क्या बीजेपी में? कोई बुलडोजर चाचा रितिका बनेगा? रितिका जी बनना पड़ेगा, वो समय आ गया है। रितिका जी अब वो समय आ गया है, बताइए आज तक केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी दिल्ली में? 5 रुपए का कंपनसेशन किया, पेट्रोल पंप से हमला हुआ पर, और ये लोग चिंपो मचा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हिंदू सनातनी अगर जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महाराज श्री राम जी के जन्मोत्सव का जो है शोभा यात्रा सनातनी निकाल लेते, अगर उनके हाथ में तलवारें थी तो क्या गलत था? हमें चक्रवर्ती सम्राट की जो है जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हम पेट्रोल पंप से हमला तो नहीं कर रहे थे? रखिए, और इनके सांसदों को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समय हमारे अगले कार्यक्रम का हो गया, समय हमारे पास नहीं है, रखिए अपने आप को परिवर्तित कर ले, अपने मन मस्जिद को परिवर्तित कर ले। देखिए जब डिबेट ने बुलाया थी लोगों को तो उनको टाइम दिया करिए अपनी बात रखने के लिए, और जब कोई बात रखा करे बीच में कोई ना बोला करे। ये श्रीनिवासन जी को सिखा दिए, ये पहले सीख ले उसके बाद डिबेट में आए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश माहौल खराब कर रही है, दिल्ली में जो कुछ हुआ पूरे नियोजित तरीके से हुआ है, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं वहां पे भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे कट करा रही है ताकि पीछे के डोर से वो भारतीय जनता पार्टी को वहां घुसेड़ दे, जैसे कि अभी ये लोग कह रहे थे कि यहाँ योगी की सरकार होनी चाहिए, मोदी की सरकार होनी चाहिए, बात होगी, यही बोलेंगे। इनके पास कोई एक स्टेटमेंट ही नहीं है कि यही कहना है इनको कि भारतीय जनता पार्टी जाने के दंगा फैलाती है। मैं चाहूंगी श्रीनिवास जी प्लीज रखिए अपनी बात को बाद में रखिएगा, रखिए मोहम्मद तक की अपनी बात पूरी करें प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी रखें। बुलडोजर मामा हो चाहे बुलडोजर, चाहे योगी जी हो, बुलडोजर चलाना बिल्कुल गैर कानूनी है, कोर्ट भी हड़ताल कर रहा है,
और जहां बुलडोजर चलाया है उन लोग तो वहां पे इन्वॉल्व ही थे। एक बुलडोजर चलाया मकान है बेचारे के, उसके दोनों हाथ नहीं है, वो हाथ उसे कटे हुए हैं। जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं वो कैसे पथराव करेगा, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। समय समय का कार्यक्रम का हो गया, ठीक है वक्त समय का बोल रही है, बहुत ही झूठा बात। रितिका जी मात्र 10 सेकंड रितिका जी, जहां पर ये दंगों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद डिबेट भी का समय भी हो गया है। गुजरात में कार सेवक जब जा रहे थे तो छोटा सा दंगा किया था इन लोगों ने, कार सेवकों के ऊपर बर्बरता की थी, उसके बाद गुजरात में दंगा हुआ था। याद रख ले ये लोग, दंगा करना बंद कर दें और शांतिप्रिय तरीके से भारत जैसे विशाल राष्ट्र में रहें, लेकर दंगा करने पर उतारू आ जाएंगे। ठीक है, तो गुजरात का धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार रामनवमी से लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लगातार, आपको बता दें जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, लगातार रामनवमी से लेकर हिंदू नववर्ष तक और हनुमान जयंती तक लगातार देश के कोने कोने से हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही है। सवाल यही है कि आखिर इसकी साजिश कौन कर रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। विपक्ष पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, उनका कहना है कि सुनियोजित तरीके से जो है बीजेपी इस घटनाक्रम को अंजाम लगातार दे रही है। जितने भी अलग अलग जगह पर देश के अलग अलग कोनों से जिस तरह की घटना लगातार आ रही है, विपक्ष जो है बीजेपी पर हमला कर रहा है। वहीं अगर जहांगीरपुरी की घटना की अगर हम बात करें, वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दोनों में कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रहा है। हिंसा के बाद सवाल वही है कि हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरे में तनाव का माहौल है, तनाव की स्थिति है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन उसके बाद भी बवाल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं आरोप लगा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने ये दंगे करवाए हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने ये जो है दंगा करवाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर लगातार देश के कोने कोने से जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह के दंगे आ रहे हैं, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि अपने ही देश में, अपने ही भारत देश में हमें अगर जो है शोभा यात्रा निकालनी है, उस शोभा यात्रा में इस तरीके का क्या पथराव का सामना करना पड़ेगा, बड़े सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।